अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंट कॉलेज ई लर्निंग प्रोग्राम। प्रीवियस लेक्चर में, लेक्चर नंबर वन में, हमने पीरियोडिक टेबल की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के मतलब पढ़ा, जिसमें हमने मुख्तलिफ साइंटिस्ट की मेजर कंट्रीब्यूशन देखी कि कौन कौन से साइंटिस्ट ने पीरियोडिक टेबल डिवेल्प करने में क्या कंट्रीब्यूशन की। उसमें हमने मेजरली न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव के मतलब पढ़ा, डोब्रिनर्स लॉ ऑफ ट्रायड के मतलब पढ़ा और मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल पढ़ा। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल वाज द फर्स्ट प्रिसाइज्ड पीरियोडिक टेबल प्रपोज्ड बाय एनी साइंटिस्ट, कि किसी भी साइंटिस्ट ने जो पहला बाज़ाब्ता पीरियोडिक टेबल प्रपोज किया, दैट वाज मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। फिर हमने उसके कुछ एडवांटेजेस डिस्कस किए और कुछ उसके डिफेक्ट्स डिस्कस किए। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के बाद एक्स रेज की डिस्कवरी हुई। एक्स रेज पे सबसे ज़्यादा काम मूसले साइंटिस्ट ने किया। उसने 1911 में एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट पेश किया, क्योंकि इससे पहले ये समझा जाता था कि एटॉमिक मास इज़ द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट। जब एक्स रेज डिस्कवर हुई तो पता चला कि भाई एटॉमिक मास एलिमेंट की फंडामेंटल प्रॉपर्टी नहीं है, बल्कि एटॉमिक नंबर इज़ द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट। एंड व्हाट इज एटॉमिक नंबर? द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड इट्स एटॉमिक नंबर। और ये देखा गया कि कोई भी ऐसे दो एलिमेंट हमें नहीं मिलेंगे जिनका एटॉमिक नंबर एक जैसा हो, हर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर दूसरे एलिमेंट से मुख्तलिफ होगा। तो मालूम हुआ कि बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट इज इट्स एटॉमिक नंबर, दैट वाज प्रपोज्ड बाय मूसले, कि जो मूसले ने प्रपोज किया। क्योंकि पहले जो चार साइंटिस्ट जिनका हमने जिक्र किया, उन चारों ने पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को अरेंज करने की कोशिश की एटॉमिक मास की बुनियाद पर, इसीलिए उनकी अरेंजमेंट्स में डिस्क्रिपेंसी आई, उनकी अरेंजमेंट्स में फॉल्ट्स आए, डिफेक्ट्स आए, और जिसकी वजह से वो प्रोलॉन्ग नहीं कर सकी। तो मूसले ने फॉर द फर्स्ट टाइम एलिमेंट्स की एटॉमिक नंबर को उसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी करार दिया और इसी बुनियाद पर मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पेश किया। व्हाट इज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है? इफ द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, कि अगर हम एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर तरतीब देते हैं, देन एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज अपीयर्ड एट रेगुलर इंटरवल्स। तो एक जैसी प्रॉपर्टीज रखने वाले एलिमेंट्स बाकायदा वक्फों के बाद रिपीट होंगे, दोहराए जाएंगे। अब अगर हम इसमें इसकी डेफिनेशन देखते हैं और मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ जो हमने पहले पढ़ा उसकी डेफिनेशन देखते हैं, तो उनमें सिर्फ एक लफ्ज़ का फ़र्क है कि उसने एटॉमिक मास को फंडामेंटल प्रॉपर्टी कहा, जबकि मूसले ने एटॉमिक नंबर को उसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी कहा। और इस चेंज की वजह से, बेसिक प्रॉपर्टी चेंज होने की वजह से, मोस्ट ऑफ द डिफेक्ट्स दैट वाज प्रेजेंट इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल वाज रिमूव्ड व्हेन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वाज अरेंज्ड, कि जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अरेंज किया गया तो मोस्टली उसके डिफेक्ट्स रिमूव हो गए। उनको हम इस हेडिंग के तहत पढ़ते हैं कि इम्प्रूवमेंट्स मेड इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, के मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में कौन कौन सी इम्प्रूवमेंट्स की गई। तो उसमें पहले नंबर पे जो इम्प्रूवमेंट हुई वो अभी हमने डिस्कस किया कि भाई एटॉमिक नंबर इज फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट, के एलिमेंट की फंडामेंटल प्रॉपर्टी को चेंज किया गया कि दैट इज नॉट एटॉमिक मास, दैट इज एटॉमिक नंबर विच इज फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट। उसके बाद जब मेंडलीव ने लॉ पेश किया तो उस वक्त नोबल गैसेस की डिस्कवरी नहीं हुई थी, इसलिए उनकी पीरियोडिक टेबल में कोई जगह नहीं थी। जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल प्रपोज किया गया तो उस वक्त नोबल गैसेस डिस्कवर हो चुकी थी, तो उनको पोजीशन अलाट की गई एट द एंड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के एंड पे स्पेशल ग्रुप उसका रखा गया, जिसको हम एट्थ ग्रुप या जीरो ग्रुप कहते हैं। तो इस तरह नोबल गैसेस को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एक स्पेसिफिक
प्लेस अलॉट की गई, दैट इज एट द एंड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। उसके बाद मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में हमने पढ़ा कि मेंडलीव ने जो ग्रुप्स तरतीब दिए उसमें मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज रखने वाले एलिमेंट्स, जिनको हम कहेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स और नॉर्मल एलिमेंट्स, उसको उसने सेम ग्रुप में रखा हुआ था, जबकि उनकी प्रॉपर्टीज एब्सोल्यूटली बिल्कुल एक दूसरे से मुख्तलिफ थी। तो इस डिफेक्ट को दूर करने के लिए क्या किया गया कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हर ग्रुप को दो सब ग्रुप्स में तकसीम कर दिया गया, सब ग्रुप ए एंड सब ग्रुप बी। जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज एक जैसी थी उनको सब ग्रुप ए में रखा गया, जो उनसे मुख्तलिफ थी उनको सब ग्रुप बी में रखा गया। सब ग्रुप ए नॉर्मल एलिमेंट्स का ग्रुप है और सब ग्रुप बी ट्रांजिशन एलिमेंट्स यानी कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स का ग्रुप है। तो इस तरह वो जो ग्रुप के अंदर एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज में डिसिमिलैरिटी पाई जाती थी वो सब ग्रुप बनाने की वजह से दूर हो गई, सब ग्रुप ए एंड सब ग्रुप बी। उसके बाद हमने मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में पढ़ा कि उसमें मिसफिट पेयर्स हैं, ऐसे पेयर्स हैं जिनकी अरेंजमेंट एटॉमिक मास की बुनियाद पर ठीक नहीं लगती, लेकिन जब उनको एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर तरतीब दिया गया तो उनका वो डिफेक्ट ऑटोमेटिकली रिमूव हो गया। मसलन हमने पढ़ा था कि टेलूरियम एटॉमिक नंबर 52, एटॉमिक मास 127.6, आयोडीन एटॉमिक नंबर 53, एटॉमिक मास 126.9। अब अगर हम मेंडलीव की तरतीब देखते हैं एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर तो फिर ये गलत है, क्योंकि आयोडीन का एटॉमिक मास कम है उसको पहले आना चाहिए, टेलूरियम का एटॉमिक मास ज़्यादा है उसको बाद में आना चाहिए। लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जब हम उसको एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर देखते हैं तो ये तरतीब ठीक है, टेलूरियम का एटॉमिक नंबर 52 है वो पहले है, आयोडीन का एटॉमिक नंबर 53 है वो बाद में आ रही है। तो इस तरह वो जो मिसफिट पेयर्स का डिफेक्ट्स मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में पाया जाता था वो भी इसमें रिमूव हो गया। तो दैट वाज ऑल अबाउट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, के पीरियोडिक टेबल किन किन स्टेप्स में से गुजर के मौजूदा सूरत हाल जो हमारे पास है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल उस स्टेज तक किस तरह पहुंचा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम क्या देखेंगे, असेंशियल फीचर्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल, के मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को किस तरह डिवाइड किया गया, उसकी डिवीजन उनकी किस तरह की गई। तो इसमें मुख्तलिफ रिस्पेक्ट से मुख्तलिफ आप कह लें कि कॉन्सेप्ट्स की बुनियाद पे उनको मुख्तलिफ क्लासेस में डिवाइड किया गया है और इसकी मुख्तलिफ डिवीजन आती हैं पीरियोडिक टेबल की, जिनमें मेजर जो हम पढ़ेंगे वो है डिवीजन ऑफ एलिमेंट्स इनटू ब्लॉक्स, डिवीजन ऑफ एलिमेंट्स इनटू ग्रुप्स, डिवीजन ऑफ एलिमेंट्स इनटू पीरियड्स, डिवीजन ऑफ एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेटेलिक करेक्टर, एंड डिवीजन ऑफ एलिमेंट्स इनटू डिफरेंट फैमिलीज, मोस्ट फैमिलियर फैमिलीज ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो ये पांच मुख्तलिफ किस्म की डिवीजन्स हैं इनकी। इनमें से जो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वो है डिवीजन ऑफ एलिमेंट्स इनटू ब्लॉक्स, के एलिमेंट्स की ब्लॉक्स में डिवीजन किस तरह की गई। तो ब्लॉक्स किस बुनियाद पर बनाए जाते हैं, ब्लॉक्स बनाए जाते हैं एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बुनियाद पर। जब हम उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो हम देखते हैं कि आखिरी सब शेल जो फिल हो रहा है वो कौन सा है। एलिमेंट्स के टोटल चार सब शेल होते हैं, एस पी डी और एफ। तो इस एतबार से हम एलिमेंट्स को चार ब्लॉक्स में तकसीम करते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। सबसे पहले हम देखते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स में कौन से एलिमेंट्स आते हैं, द एलिमेंट्स इन विच एस सब शेल ऑफ आउटर मोस्ट शेल इज इन फिलिंग प्रोसेस, के जिनमें आखिरी शेल का एस सब शेल फिलिंग प्रोसेस में हो उनको हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। इनमें कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, मसलन
हम लिथियम देखते हैं तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, 1s2 2s1, तो इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में आया, s में, तो इसको हम कहेंगे इट बिलोंग्स टू एस ब्लॉक एलिमेंट्स, किसका ताल्लुक एस ब्लॉक एलिमेंट्स से है। अगर हम पीरियोडिक टेबल देखते हैं तो पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट ए ग्रुप, सेकंड ए ग्रुप और हीलियम ऑफ द 8th R0 ग्रुप, ये मेंबर्स जो हैं इनका आखिरी इलेक्ट्रॉन एस में आता है, सो दे बिलोंग्स टू एस ब्लॉक एलिमेंट्स। उसके बाद पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होंगे, द एलिमेंट्स इन विच पी सब शेल ऑफ द आउटर मोस्ट शेल इज इन फिलिंग प्रोसेस, कि जिसमें आउटर मोस्ट शेल का पी सब शेल फिलिंग प्रोसेस में होगा उसको हम पी ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे। मसलन हम कार्बन की एग्जांपल लेते हैं, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, 6 इलेक्ट्रॉन है टोटल इसमें, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2p2, तो इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में एंटर हो रहा है, पी में एंटर हो रहा है, इट्स पी सब शेल इज इन फिलिंग प्रोसेस, इसका पी सब शेल फिलिंग प्रोसेस में है, तो इसको हम कहेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में कौन कौन से ग्रुप्स आते हैं, इसमें 3rd A ग्रुप, 4th A, 5th A, 6th A, 7th A और 8th A या 0 ग्रुप एक्सेप्ट हीलियम, क्योंकि हीलियम के मुतल्लक हम पहले देख चुके हैं कि उसमें दो ही इलेक्ट्रॉन हैं और वो दोनों फर्स्ट 1s में आते हैं, इसलिए उसका ताल्लुक एस ब्लॉक से है। उसके बाद बाकी मेंबर जो हैं नोबल गैसेस के, दे बिलोंग टू पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो इस तरह पी ब्लॉक एलिमेंट्स में कौन कौन से ग्रुप्स आ गए, 3rd A to 8th A ग्रुप, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां ग्रुप, और आठवें ग्रुप को हम आमतौर पर 0 ग्रुप भी कह देते हैं। तो दीज ग्रुप्स आर इंक्लूडेड इन पी ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स और पी ब्लॉक एलिमेंट्स, इनको कलेक्टिवली हम बोलते हैं नॉर्मल एलिमेंट्स और टिपिकल एलिमेंट्स। टिपिकल एलिमेंट्स, नॉर्मल एलिमेंट्स और टिपिकल एलिमेंट्स कौन कौन से, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक। एस ब्लॉक में कौन से एलिमेंट्स आए, द एलिमेंट्स इन विच एस सब शेल ऑफ आउटर मोस्ट शेल इज इन फिलिंग प्रोसेस, और पी ब्लॉक में कौन से आए, द एलिमेंट्स इन विच पी सब शेल ऑफ आउटर मोस्ट शेल इज इन फिलिंग प्रोसेस। तो ये दोनों ब्लॉक्स हैं इनका ताल्लुक नॉर्मल एलिमेंट्स हैं, इनको हम नॉर्मल एलिमेंट या टिपिकल एलिमेंट्स कहते हैं। उसके बाद डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, द एलिमेंट्स इन विच डी सब शेल ऑफ आउटर मोस्ट शेल इज इन फिलिंग प्रोसेस, कि जिसमें डी सब शेल आउटर मोस्ट शेल का फिलिंग प्रोसेस में होगा उसको हम डी ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे। मसलन हम आयरन की एग्जांपल लेते हैं, 26 आयरन का एटॉमिक मास है, एन एटॉमिक नंबर है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6, तो इस तरह हम देखते हैं कि इसमें आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है, डी में, सो इट बिलोंग्स टू डी ब्लॉक एलिमेंट्स। उसके बाद एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, द एलिमेंट्स इन विच एफ सब शेल ऑफ आउटर मोस्ट शेल इज इन फिलिंग प्रोसेस आर कॉल्ड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, कि जिनमें एफ सब शेल फिलिंग प्रोसेस में होगा उनको हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहेंगे। इसमें मसलन इसकी एग्जांपल आप देखिए, सीरियम है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f2 4f2, तो इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है, एफ सब शेल में, सो इट बिलोंग्स टू एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो इस तरह ये 4 ब्लॉक्स हैं, पहले 2 ब्लॉक्स को क्या कहते हैं, नॉर्मल एलिमेंट्स और टिपिकल एलिमेंट्स, और डी और एफ ब्लॉक को क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो दिस वॉज द डिविजन ऑफ एलिमेंट्स इन टू ब्लॉक्स।
ब्लॉक्स के बाद अब हम देखते हैं डिवीजन ऑफ एलिमेंट्स इनटू पीरियड्स। तो पीरियोडिक टेबल में तमाम एलिमेंट्स को 7 पीरियड्स में तकसीम किया गया है। व्हाट इज पीरियड? द हॉरिजेंटल रोज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियड्स। जो हॉरिजेंटल रोज हैं पीरियोडिक टेबल में उनको हम पीरियड्स कहते हैं। और इनको हम अरेबिक न्यूमरियल 1, 2, 3, 4 जो आम हम टाइम लिखते हैं अपनी उर्दू लैंग्वेज में, उन नंबरों से इसको जाहिर किया जाता है पीरियड्स को। अब हम देखते हैं एलिमेंट्स की डिवीजन पीरियड्स में किस तरह की गई है। फर्स्ट पीरियड हम देखते हैं, फर्स्ट पीरियड दैट कंसिस्ट ऑफ 2 एलिमेंट्स हाइड्रोजन एंड हीलियम, कि उसमें 2 एलिमेंट्स मौजूद हैं, एक हाइड्रोजन और दूसरा हीलियम। दोनों का ताल्लुक एस ब्लॉक से है एंड इट इज शॉर्टेस्ट पीरियड, कि ये सबसे छोटा पीरियड है विच कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू एस ब्लॉक। उसके बाद हम सेकंड पीरियड में देखते हैं, तो जिस तरह इधर डिवीजन बताई गई है, सेकंड पीरियड में 8 एलिमेंट्स हैं 2s+6p, कि इसमें सेकंड पीरियड में टोटल 8 एलिमेंट्स आते हैं। 2 एलिमेंट्स लिथियम और बेरिलियम दे बिलोंग्स टू एस ब्लॉक, और 6 एलिमेंट्स बोरान कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन दे बिलोंग्स टू पी ब्लॉक। तो इस तरह इसमें टोटल 8 एलिमेंट्स हैं, 8 के 8 नॉर्मल एलिमेंट्स हैं, 2 का ताल्लुक एस ब्लॉक से है और 6 का ताल्लुक पी ब्लॉक से है। उसके बाद हम देखते हैं थर्ड पीरियड। थर्ड पीरियड है सिमिलर अरेंजमेंट टू दैट ऑफ सेकंड पीरियड, कि इसकी अरेंजमेंट बिल्कुल सेकंड पीरियड की तरह है, जिस तरह की हमने सेकंड पीरियड में देखा। इट कंसिस्ट ऑफ टोटल 8 एलिमेंट्स, इसमें टोटल 8 एलिमेंट्स हैं। उन 8 में से सोडियम और मैग्नीशियम 2 का तल्लक एस ब्लॉक से है, और एलुमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन ऑर्गन इनका ताल्लुक पी ब्लॉक के साथ है। तो इस तरह दूसरा और तीसरा पीरियड दोनों की अरेंजमेंट सेम है, दोनों में 8-8 एलिमेंट्स हैं, नॉर्मल एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स एस ब्लॉक के हैं और 6 एलिमेंट्स पी ब्लॉक के हैं। उसके बाद हम देखते हैं फोर्थ पीरियड। फोर्थ पीरियड में टोटल 18 एलिमेंट्स हैं। इनके डिवीजन क्या है देखिए भाई, 18 एलिमेंट्स हैं, 2 फ्रॉम एस ब्लॉक, 6 फ्रॉम पी ब्लॉक एंड 10 फ्रॉम डी ब्लॉक। क्योंकि डी ब्लॉक की पहली सीरीज अपीयर होती है चौथे पीरियड में, तो ये जो सीरीज है डी ब्लॉक की पहली लाइन, इसको हम कहते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, ये सेकंड ट्रांजिशन सीरीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। इस तरह हम देखते हैं कि चौथे पीरियड में आकर डी ब्लॉक एलिमेंट्स अपीयर होते हैं और वो फर्स्ट सीरीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स उसमें आती है। इसकी डिवीजन भाई 2 एस ब्लॉक के और 6 पी ब्लॉक के, 8 एलिमेंट्स दीज आर नॉर्मल एलिमेंट्स, इनको हम नॉर्मल या टिपिकल एलिमेंट्स कहेंगे। और दिस इज फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, सेकेंडियम शुरू होकर जिंक तक जाती है, 10 एलिमेंट हैं ये। तो इस तरह इसमें टोटल 18 एलिमेंट्स आ गए, 8 नॉर्मल एलिमेंट्स हैं जो कि एस और पी ब्लॉक से, 2 एस ब्लॉक के, 6 पी ब्लॉक के, और 10 ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं डी ब्लॉक की फर्स्ट सीरीज। फिफ्थ पीरियड की अरेंजमेंट बिल्कुल सिमिलर टू द फोर्थ पीरियड, फोर्थ पीरियड जैसी है बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। इसमें भी टोटल 18 एलिमेंट्स हैं, 2 फ्रॉम एस ब्लॉक, 6 फ्रॉम पी ब्लॉक एंड 10 येट्रियम टू कैडमियम। इसको हम कहते हैं सेकंड ट्रांजिशन सीरीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, के डी ब्लॉक एलिमेंट की सेकंड ट्रांजिशन सीरीज है। तो इस तरह इसमें भी टोटल 18 एलिमेंट्स हैं,
चौथा पीरियड पांचवा पीरियड दोनों में 18 एलिमेंट्स हैं और इनको हम आमतौर पे कहते हैं लॉन्ग पीरियड्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल, कि ये पीरियोडिक टेबल के लॉन्ग पीरियड्स हैं, लंबे पीरियड हैं जिनमें कंपैरेटिवली ज्यादा एलिमेंट्स हैं। उसके बाद सिक्स्थ पीरियड शुरू होता है, सिक्स्थ पीरियड को हम कहते हैं लॉन्गेस्ट पीरियड, इट कंसिस्ट ऑफ 32 एलिमेंट्स, इसमें 32 एलिमेंट्स हैं। इनकी डिवीजन क्या है भाई, दो एस ब्लॉक एलिमेंट्स और 6 पी ब्लॉक एलिमेंट्स, इस तरह 10 एलिमेंट्स ये नॉर्मल एलिमेंट्स हैं। उसके बाद ये ल्यूटीटियम से लेके मरकरी तक थर्ड सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स 10 एलिमेंट्स ये हैं। तो इस तरह 8 नॉर्मल एलिमेंट्स, 2 फ्रॉम एस ब्लॉक, 6 फ्रॉम पी ब्लॉक और 10 ट्रांजिशन एलिमेंट्स, थर्ड सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इस तरह ये 18 हो गए। उसके बाद आप देखें ये दो लाइनें नीचे दी हुई हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस, ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की लाइंस हैं, ये बाकायदा पीरियोडिक टेबल की रेगुलर बॉडी में नहीं आती, उनके बेस पे लिखा गया है। इसको हम ये भी कहते हैं कि इट इज़ द डिफेक्ट ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, कि व्हाई दीज आर नॉट प्लेस्ड इनसाइड द पीरियोडिक टेबल, व्हाई दे आर प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो अगर आप कलर स्कीम इनकी देखें तो लेंथेनियम का कलर हाफनियम के साथ मिलता जुलता है, इसका मतलब कि लेंथेनियम के बाद लेंथेनाइट सीरीज शुरू होती है। लेंथेनाइट सीरीज क्या है, द 14 एलिमेंट्स दैट कम्स आफ्टर लेंथेनियम, कि वो 14 एलिमेंट्स जो लेंथेनियम के बाद आते हैं उनको लेंथेनाइट सीरीज कहते हैं। ये सीरियम से शुरू होकर लारेंसियम तक जाती है, 14 एलिमेंट्स हैं। तो इस तरह सिक्स पीरियड को हम कहते हैं लॉन्गेस्ट पीरियड, इसमें 2 एस ब्लॉक एलिमेंट्स, 6 पी ब्लॉक एलिमेंट्स, 10 एलिमेंट्स ऑफ थर्ड ट्रांजिशन सीरीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स और उसके बाद 14 एलिमेंट्स ऑफ लेंथेनाइट सीरीज, 14 एलिमेंट्स दैट कम्स आफ्टर लेंथेनम आर कॉल्ड लेंथेनाइट सीरीज। तो 14 एलिमेंट्स ये हो गए, इस तरह टोटल इसमें 32 एलिमेंट आ गए। ये पहले 6 पीरियड जो हमने पढ़े हैं स्टूडेंट्स, दीज आर कंप्लीटेड, ये कंप्लीट पीरियड हैं। अब हम आते हैं सातवें पीरियड की तरफ, तो सातवां पीरियड इज स्टिल इनकम्प्लीट, इसमें इसलिए हम एलिमेंट्स की टोटल तादाद नहीं बता सकते, क्योंकि जो भी एलिमेंट नए डिस्कवर होंगे दैट बिलोंग्स टू सेवंथ पीरियड, सेवंथ पीरियड में आएंगे। सेवंथ पीरियड की डिस्क्रिप्शन क्या है कि सेवंथ पीरियड में 2 एलिमेंट एस ब्लॉक के आते हैं, उसके बाद जिस तरह छठे पीरियड में लेंथेनियम के बाद आने वाली सीरीज लेंथेनाइट सीरीज है, इसी तरह इसमें एक्टिनियम के बाद जो 14 एलिमेंट्स आते हैं उनको हम एक्टिनाइट सीरीज कहते हैं। तो 14 एलिमेंट एक्टिनाइट सीरीज के आ गए, एक्टिनियम से एक्टिनियम के बाद आने वाले 14 एलिमेंट्स और 2 एलिमेंट्स एस ब्लॉक के आ गए। बाकी फोर्थ सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स डी ब्लॉक एलिमेंट्स दैट इज स्टिल इनकम्प्लीट। इस पीरियोडिक टेबल पे आप देखें तो 110, 111, 112, 113 ये हाइपोथेटिकल शो किए गए हैं, अभी ये रजिस्टर्ड नहीं हुए, दीज आर नॉट रिकमेंडेड बाई IUPAC के, IUPAC ने इनको भी रिकमेंड नहीं किया, रिकमेंडेड जो है 109 तक हैं। इसलिए हम कहते हैं कि द फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज इज स्टिल इनकम्प्लीट। So that is the division of elements into blocks, into periods and into groups. इसके बाद next जो हम division पढ़ेंगे period के बाद, that is the division of element into groups, कि elements को groups में कैसे divide किया गया। The vertical columns in the periodic table are called groups, कि जो vertical column periodic table में पाए जाते हैं उनको हम groups कहते हैं। अगर हम स्टूडेंट्स कॉलम देखते हैं, कॉलम की तादाद काउंट करते हैं तो ये हमें 18 नजर आती है, 18। अब यहां से बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स के जहन में ये कन्फ्यूजन पैदा हो सकता है कि भाई हर कॉलम एक ग्रुप है तो देयर मस्ट बी 18 ग्रुप्स, तो भाई कॉलम 18 हैं, ग्रुप बेसिकली 8 हैं। जिस तरह हमने इम्प्रूवमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल, मेंडीज पीरियोडिक टेबल, उसमें हमने ये पढ़ा था कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स को
दो क्लासेस में तकसीम किया, दो हिस्सों में हर ग्रुप को तकसीम किया गया है। तो यहाँ पे देखिए आप वर्टिकल कॉलम्स एंड द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड ग्रुप्स, के पीरियोडिक टेबल के वर्टिकल कॉलम्स को हम ग्रुप्स कहते हैं। इसमें आप देखें कि 8 ग्रुप्स हैं टोटल, पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ टोटल 8 ग्रुप्स। दीज 8 ग्रुप्स आर सब डिवाइडेड इंटू 2 टाइप्स ऑफ ग्रुप्स, 8 ए सब ग्रुप्स एंड 8 बी सब ग्रुप्स। तो इस तरह ग्रुप टोटल 8 हैं, अगर हम सब ग्रुप देखेंगे ए और बी जमा करके तो दैट इज 16। अब यहां पे फिर हम देखते हैं कि भाई ग्रुप टोटल 16 है, लेकिन जब हम कॉलम काउंट करते हैं पीरियोडिक रेगुलर कॉलम तो वो 18 है। तो पीरियोडिक टेबल में आप देखें फर्स्ट बी, सेकंड बी, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी और सेवंथ बी, ये 7 ग्रुप हैं। दीज कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 कॉलम, ये एक ही कॉलम पर मुश्तमिल हैं। लेकिन 8th बी ग्रुप आप देखें तो वो 3 कॉलम्स पर मुश्तमिल है, इट कंसिस्ट ऑफ 3 कॉलम्स। और इसको भी जिस तरह पहले मैंने आपको लेंथेनाइड और एक्टिनाइड की सीरीज के मतलब बताया कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के डिफेक्ट में शुमार होता है, इसी तरह इसको भी हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के डिफेक्ट में शुमार करते हैं कि बाकी तमाम सब ग्रुप्स एक एक कॉलम पर मुश्तमिल हैं, लेकिन 8 सब ग्रुप 3 कॉलम पर मुश्तमिल है। व्हाई इट इज सो, ऐसा क्यों है? तो इस तरह स्टूडेंट्स हमें पता चला कि पीरियोडिक टेबल के टोटल ग्रुप्स कितने हैं, 8 ग्रुप्स हैं। उन 8 ग्रुप्स को फिर आगे सब क्लासेस में डिवाइड किया गया, सब ग्रुप ए एंड सब ग्रुप बी। सब ग्रुप ए कंसिस्ट ऑफ नॉर्मल एलिमेंट्स एंड सब ग्रुप बी कंसिस्ट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। जिस तरह ब्लॉक्स में मैंने आपको बताया कि भाई जो एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनको हम नॉर्मल एलिमेंट्स कहते हैं, और जो डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कह सकते हैं। अब आपके सामने क्योंकि पीरियोडिक टेबल मौजूद है, जब हमने ब्लॉक्स डिस्कस किए थे तो पीरियोडिक टेबल हमने शो नहीं किया था, यहाँ पे पीरियोडिक टेबल आपके सामने लगा हुआ है, तो यहाँ पे आप इजीली हम ब्लॉक्स को भी समझ सकते हैं कि ये पहला कॉलम, दूसरा कॉलम यानी कि फर्स्ट ए ग्रुप, सेकंड ए ग्रुप अलॉन्ग विद हीलियम, ये एस ब्लॉक है। उसके बाद यहाँ से लेकर ये थर्ड बी, फोर्थ बी, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवन्थ ए एंड दैट इज जीरो ग्रुप, इनर्ट गैसेस का ग्रुप, ये पी ब्लॉक में शामिल हैं, यानी कि पी ब्लॉक कंसिस्ट ऑफ दीज ग्रुप्स। तो इस तरह ए ग्रुप्स जितने भी हैं वो नॉर्मल एलिमेंट्स पर मुश्तमिल हैं, जिनमें एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं और पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, जबकि बी ग्रुप सारे के सारे 8 के 8 बी ग्रुप जो हैं दे कंसिस्ट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स पर मौजूद हैं जिसमें डी ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं। सो दैट इज द डिवीजन ऑफ एलिमेंट इनटू ग्रुप्स। तो अब बेटा हमने 4 डिवीजन इसकी पढ़ी है पीरियोडिक टेबल की, डिवीजन ऑफ एलिमेंट्स इनटू ब्लॉक्स वो भी आपको क्लियर हो गई, उसके बाद डिवीजन ऑफ एलिमेंट्स इनटू पीरियड्स, उसके बाद डिवीजन ऑफ एलिमेंट्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स, के पीरियड्स में किस तरह इसको डिवाइड किया गया, ग्रुप्स में किस तरह डिवाइड किया गया, और उसके बाद हमने देखा कि इसको ग्रुप्स में, पीरियड्स में और ब्लॉक्स में किस तरह डिवाइड किया। तो 3 किस्म की डिवीजन हमने इसकी स्टडी की हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो डिवीजन है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट फैमिलीज ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दैट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर, दैट इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। खुदा हाफ़िज़।